खैबर पख्तूनख्वा के अम पर दहशत गर्दों का वार। शुमाली वजीरिस्तान में बॉम्ब धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। धमाका गुल मीरकोट में सिविलियन गाड़ी के करीब हुआ। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीरे आज़म इनवारुल हक का हादसे में जाँ बहक अफराद के वर्सा से इजहार यकजहती। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में गिरफ्तार। इस्लामाबाद में पीटी रहमा को रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। मुकदमे में चेयरमैन PTIB नामजद। मुकदमे के मतन में कहा गया कि बनीगाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म ऑफिस की साइफर कॉपी को भी गायब कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने सीक्रेट क्लासीफाइड दस्तावेजात आम की। मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, असद उमर और दीगर के खिलाफ मुकदमा तहकीकात के तनाजुर में दर्ज होगा। शेरी मिजारी की साहबजादी और इंसानी हकूक के वकील ईमान मिजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। शेरी मिजारी की अपनी ट्वीट में तस्दीक, कहती हैं कि खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मेरी बेटी को ले गए। सिक्योरिटी कैमरे और ईमान का लैपटॉप और फोन भी साथ ले गए। वारंट भी नहीं दिखाए। ये अफवाह है कि घर में सिर्फ 2 खवातीन थी। ईमान मिजारी ने जुमे के रोज मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना। तर्जुमान मुस्लिम इग्नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मिलने पहुंचेंगे। कानूनी टीम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर केसेस के हवाले से ब्रीफिंग देगी। और पाकिस्तान वुमेंस का वनडे और T20 स्क्वाड कराची पहुंच गया। खिलाड़ी कल से हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज 1 सितंबर से शुरू होगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस होंगे। जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम 27 अगस्त को कराची पहुंचेगी।